यार इस गोप्रो को मैंने बोरवेल के अंदर डालकर उसका वीडियो बनाया, इसके बाद कुएं के अंदर भी डालकर वीडियो बनाया, लेकिन आज मैं इसको आसमान के अंदर भेजने वाला हूँ और देखते हैं कि वहाँ से कैसा नजर आता है। और ऊपर भेजने के लिए हमें इस ड्रोन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने डबल साइडेड टेप से गोप्रो को ड्रोन के ऊपर चिपका दिया। काफी मजबूती से चिपकाने बाद मैंने इसमें रिकॉर्डिंग चालू कर दी और फिर जैसे ही मैं इसे उठाने लगा तो हवा की वजह से ड्रोन अनबैलेंस होने लगा। तो ये है ड्रोन से बनी हुई फुटेज, लेकिन इसमें ज्यादा एरिया नहीं आ रहा था। और अब ये दूसरी वाली फुटेज है गोप्रो की, जिसके अंदर तो काफी ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू आ रहा था। और यार ऊपर से तो व्यू देखने लायक था, लेकिन हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी जिसकी वजह से ड्रोन अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया। और ड्रोन को तो कुछ नहीं हुआ, बट यार ऊपर का नजारा देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। बाकी इस ड्रोन की कुर्बानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।